नमस्कार। आज दिनांक 3 अगस्त है और बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा 380 mm बारिश देवपुरा सवाई माधोपुर में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा 12 जिले में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। साथ ही कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। सिनॉप्टिक सिस्टम की भी बात करें तो आज भी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्ट एमपी और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अभी भी बना हुआ है और इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों तक पूर्वी राजस्थान में बना रहेगा। क्योंकि इस सिस्टम का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, यानी कि सिस्टम स्टेशनरी है और अगले 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग के जिलों में स्पेशली 12 सवाई माधोपुर कोटा जिलों में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के लिए संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ एक जिलों में कहीं कहीं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। 4 अगस्त से सिस्टम का असर धीरे धीरे कम होगा। हालांकि 4 और 5 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट होने की प्रबल संभावना है। 5-6 अगस्त को इस सिस्टम का असर और कम होगा और राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। आज दिनांक 3 अगस्त तक राजस्थान में यदि मानसून बारिश पर एक नजर डालें तो आज पूरे स्टेट में औसत से 7% ज्यादा बारिश आज तक रिकॉर्ड हो चुकी है। केवल साउथ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में ही बारिश में औसत से कमी रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा राजस्थान के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में औसत या औसत से ज्यादा बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। आर एस शर्मा, निदेशक मौसम केंद्र जयपुर। धन्यवाद।